दुनिया में पृथ्वी का सबसे ज्यादा सैटेलाइट इमेजरी का भंडार फिलहाल लैंडसैट प्रोग्राम में है। लैंडसैट प्रोग्राम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और नासा के द्वारा चलाया गया दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला मिशन है, जिसके तहत अब तक 9 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। स्पेशली प्लैनेट अर्थ के चारों ओर घूमते वक्त ये सैटेलाइट भिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कार्टोग्राफी, जियोलॉजी, वन विभाग, सर्वेलेंस और एडुकेशन के ऊपर डिफरेंट डेटा और इमेज कलेक्ट करना इसका मुख्य काम है। तो इस सीरीज का पहला सैटेलाइट 23 जुलाई 1972 में लैंडसैट 1 नाम से छोड़ा गया। फ्रेंड्स, उसी सीरीज के अब तक का लेटेस्ट वर्जन 27 सितंबर 2021 को छोड़ा गया है, लैंडसैट 9। लैंडसैट 9 अपने पिछले वर्जन लैंडसैट 8 का एक अपडेटेड वर्जन है, जिसको एक्स्ट्रा खर्च और टाइम बचाने के लिए एग्जैक्ट कॉपी बनाया गया है। इस कारण लैंडसैट 8 जैसा ही दो वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया गया, द ऑपरेशन लैंड इमेजर 2 और द थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2। OLI 2 का काम पृथ्वी का इंफ्रारेड के करीब अवस्था और विजिबल पोजीशन में इमेजेस लेना। OLI 2 को कोलोराडो के बोल्डर में स्थित बॉल एयरोस्पेस ने बनाया। दूसरे तरफ TIRS-2 यानी द थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 के द्वारा पृथ्वी का थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को नापने से लेकर पृथ्वी के गर्मी को मेजर किया जाएगा। ये पिछले लैंडसैट 8 में लगे TIRS इंस्ट्रूमेंट का अपडेटेड वर्जन है, जिसको नासा के गोडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के द्वारा बनाया गया। इस अत्याधुनिक सैटेलाइट को मेनली बनाया है नॉर्थरॉप ग्रूमैन इनोवेशन सिस्टम ने। फिलहाल NGIS दो टुकड़ों में बट गया है, जो अभी नॉर्थरॉप ग्रूमैन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी के सरफेस का अच्छे तरीके से परीक्षण कर पाएगा, जिससे कि मनुष्य और नेचुरल वे में जितने भी परिवर्तन पृथ्वी में देखा जाएगा उसका सटीक आकलन किया जा सकेगा। इसके साथ फॉरेस्ट, कोरल रीफ और आइस ग्लेशियर में जितने भी परिवर्तन हो रहा है उसका भी मेजरमेंट किया जा सकेगा। लैंडसैट 9 फ्यूचर में 5 साल के लिए काम करेगा, जिसे फ्यूल के साथ 15 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा समस्या है, उसे भी परीक्षण करने में लैंडसैट 9 हेल्प करेगा। इससे यूएस के साथ अन्य देशों को भी अर्थ के ऊपर नजर रखने में मदद मिलेगी। देखा जाए तो ये लैंडसैट 9 सैटेलाइट फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने रखने वाला है। तो दोस्तों, आप लैंडसैट 9 के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।